सब्सक्राइब कीजिए साइनो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हाई ट्रांसलेटर ऐप के बारे में, जिसका वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है और आप सभी लोगों का बहुत सारा हमें प्यार मिला था, इसलिए आज हम फिर से हाई ट्रांसलेटर ऐप का जो नया वर्जन है उसका रिव्यू करने वाले दोस्तों। क्योंकि आप सभी लोगों को पुराने हाई ट्रांसलेटर में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी दोस्तों, आपने हमें कमेंट करके भी बताया था कि आपको ये बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही थी दोस्तों। पर दोस्तों अभी का जो नया वर्जन आया है उसका मैं आपको 100% गारंटी के साथ लिख के देता हूँ दोस्तों कि इसको आप इंस्टॉल करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि ये जो बॉल था वो आपका हाइड हो जाता था और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम मुझे आपने बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों की सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन को फन एंड हाई टूल ने डेवलप किया है दोस्तों। इसके अंदर अभी नया उन्होंने ऐड किया है 3 लैंग्वेज नया ऐड किया है दोस्तों और बहुत सारे फंक्शनलिटी भी उन्होंने ऐड किया है। मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ कि क्या है उनमें खास। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा यूजर इंटरफेस मिलेगा दोस्तों, आपको बीच में एक बटन बॉल जैसा कुछ दिखा रहा है, आपको सिर्फ वो ऑन करना है तो आपका ट्रांसलेशन ऑन हो जाता है दोस्तों। ये ऑन ऑफ का आप कर सकते हो और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे आप ऑन करोगे आपका ट्रांसलेशन ऑन हो जाएगा दोस्तों। और इधर दोस्तों आपको बहुत सारी लैंग्वेजें मिल जाएंगी दोस्तों, उन्होंने नए 3 लैंग्वेज भी ऐड किए हैं, जैसे पिछले था हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगी, उर्दू, कन्नाडा, मलयालम, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज उन्होंने ऐड किए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों आपके लिए ट्रांसलेट। जो भी अपनी गर्लफ्रेंड, फ्रेंड या फॉरेनर, कोई अननोन पर्सन से बात करना चाहता है जो उनको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है दोस्तों, उनके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो इससे बेहतर एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही नहीं पूरी दुनिया में दोस्तों। तो इस एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको नीचे दिखाई देगा योर लैंग्वेज और योर फ्रेंड लैंग्वेज, उसके अंदर आपकी लैंग्वेज क्या आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज हो उसमें आपको ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने अभी है हिंदी सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो आपको योर फ्रेंड लैंग्वेज में इंग्लिश रखना है दोस्तों। तो हम कैसे ट्रांसलेटर ये वर्क करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप में गया दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये गुड मॉर्निंग लिखा है, आपको पहले वीडियो में आपने मुझे बताया था कि ये बॉल गायब हो जाता है दोस्तों, पर मैं आपको बता दूँ जब तक ये बॉल आप क्लोज नहीं करोगे, इधर क्लोज आप दिखा रहे, तब तक ये बॉल आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर ही रहेगा दोस्तों। तो हम उसको मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ट्रांसलेट किया है अभी हिंदी में। गुड मॉर्निंग का आ जाएगा सुप्रभात दोस्तों, आप देख सकते हो, और गुड नाइट का आ जाएगा शुभ रात्रि। अगर आपको गुड मॉर्निंग को दूसरी कोई लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो आपको पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको इधर जाना है और लैंग्वेज को चेंज कर देना है दोस्तों। जैसे मैं गुजराती में सिलेक्ट करता हूँ तो आपको बता देता हूँ कि गुजराती में गुड मॉर्निंग को क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग को गुजराती में कहते हैं सुप्रभात और गुड नाइट को कहते हैं शुभ रात्रि। मैं आपको इधर से बता देता हूँ, ये शुभ रात्रि। जैसे बहुत सारे आप तमिल में कर सकते हो, तेलुगु में कर सकते हो, आपको बहुत सारे, जैसे मैं अभी तमिल में आपको करके बताता हूँ। जैसे ये 100% वर्क करता है दोस्तों, तो आप पूरा ध्यान रख के इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। ये मालूम नहीं मुझे तमिल में क्या लिखा है, पर उसको गुड मॉर्निंग ही लिखा है दोस्तों, और गुड नाइट का वैसे गुड नाइट का भी ऐसे आ जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ दोस्तों के, मानो कि मुझे उनके साथ गुजराती में बात करनी है, इंग्लिश में, तमिल में बात करनी है, तो मैं इधर अपना लैंग्वेज, मानो कि मैं अपना लैंग्वेज गुजराती कर रहा हूँ, मुझे गुजराती में बात करनी है, मेरा मतलब है इधर मैं इंग्लिश में लिखूंगा और आपको टाइप होगा आएगा गुजराती में। तो योर लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है इंग्लिश और योर फ्रेंड लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है हिंदी। तो मैं इधर लिख देता हूँ सिर्फ गुड मॉर्निंग, आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इधर लिखूंगा गुड मॉर्निंग। जैसे मैंने ये गुड मॉर्निंग टाइप किया और उसके बाद आपको इधर कर्सर ले जाना है दोस्तों, आपका ये सुप्रभात आ गया दोस्तों। आपको ना ही कोई अलग से कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, जैसे
हमारे बहुत सारे पुराने यूज़र हैं, उनका पुराना फ़ोन है, उनके अंदर हिंदी मराठी तेलुगु लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करती है, उनके लिए वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं अभी गुड नाइट लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे ये गुड नाइट मैंने लिखा, गुड नाइट लिखा और कर्सर इधर लिख गया दोस्तों, तो इधर आ जाएगा शुभ रात्रि। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप देख सकते हो। उसके बाद उसके अंदर एक और फीचर दिया गया है इस एप्लीकेशन में दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा पेज भी ट्रांसलेट करना है तो मैं कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी एक ले लेता हूँ इंस्टाग्राम में, इधर ये ले लेता हूँ दोस्तों। अभी मानो कि मुझे ये पेज का पूरा ट्रांसलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इधर मेरा मुझे चाहिए हिंदी में चाहिए, तो मैं इधर हिंदी सिलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, और इधर इंग्लिश बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश रखता हूँ। मेरा योर फ्रेंड लैंग्वेज का, मेरा ये फ्रेंड लैंग्वेज का इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश रखता हूँ दोस्तों। तो मुझे ये ट्रांसलेट करके चाहिए दोस्तों, तो मैं इधर सिर्फ आपको क्लिक करना है और ग्लोबल ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप ग्लोबल ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा ट्रांसलेट होके आ गया दोस्तों। और उन्होंने दूसरा ऑप्शन दोस्तों दिया है मुंह का, आप ये बॉल को कहीं पे भी मुंह करा सकते हो दोस्तों। पहले ऐसा नहीं था कि आप मुंह नहीं करा सकते थे दोस्तों, पर अभी के वर्जन में उन्होंने अपडेट करके दे दिया कि आप इसको यहाँ पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, लेफ्ट राइट यहाँ पे भी आप रख सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, तो मुझे तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया कि नहीं पसंद आया। और आपने पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे आपको आपने प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को भी आप बहुत ही पसंद करेंगे, मैं आशा मेरा मानना है। तो दोस्तों मिलते हम नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।